अंडरग्राउंड थीफ सीक्रेट हाउस। किस्मतवाड़ा नाम के गांव में गोखले नाम का एक चोर रहता था। दूसरे राष्ट्र में जाके थोड़े महीनों के लिए चोरी करता था। फिर थोड़े दिन के लिए अपना गांव में आके इज्जत से दारू पीकर पत्ते खेलकर खुश होता था। कभी कभी जेल में भी जाता था। एक दिन गांव के बाहर ब्रिज पर आते समय एक कंटेनर से आकर कंट्रोल खोकर एक साइड में जाकर आधा ब्रिज के ऊपर और आधा नदी के ऊपर फंस कर लटकने लगा। तब ड्राइवर ट्रक को पकड़कर लटक रहा था। तुरंत गोखले भागते हुए जाकर उसको ऊपर खींचने के लिए कोशिश किया, मगर बेचारा ड्राइवर पानी में गिर गया और बह गया। बाद में गोखले कंटेनर को खोल के देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। उसे देखकर वो चौंक गया। जल्दी से जाकर एक ट्रैक्टर को किराए पर लेकर आया और उन पैसों को उस ट्रैक्टर में रखा। फिर उस कंटेनर को जोर से धक्का दिया तो वो पानी में गिर गया और फिर वो ट्रैक्टर को लेकर चला गया। उसके बाद गांव के बाहर जाकर एक अंडरग्राउंड में मनी हाउस बनाया और ऊपर सीढ़ियां बनाकर किसी को भी शक नहीं आने के लिए एक बैम्बू हट जैसा बनाया। फिर अंदर जाके आहा, ये सपना है, ये सच है, इसको 10 जन्म तक खर्चा किया तो भी पैसे खत्म नहीं होंगे, अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर किसी को भी शक आए बिना सावधानी से रहना चाहिए, रोज थोड़े थोड़े पैसे ही निकाल कर खर्चा करना चाहिए। अगले दिन थोड़े पैसों के साथ वो वाइन शॉप के पास गया, वहाँ फॉरेन बॉटल्स को देख रहा था। क्या रे, फॉरेन बॉटल्स को आशा से देख रहे हो? उनको तुम खरीद नहीं पाओगे, तुम जो पीते हो वो तो चीप लिकर है ना, आओ ये ले लो, कह कर दिया। तब गोखले को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद पत्तों के खेल में हार गया और पैसों के लिए देख रहा था। तब एक आदमी, क्या रे पैसे खत्म हो गए हैं क्या? दरिंदर कही के मुझे मत पूछना, पहले से ही तुमने बहुत उधार लिया है, जब तक वो नहीं दोगे मैं तुमको कुछ भी पैसे नहीं उधार दूंगा, उठो उठो, उठकर जाओ दरिंदर कही के। तब उसको और भी अपमान लगा। बाद में वो बैम्बू हट में जाके सीढ़ियों से अंडरग्राउंड हाउस में गया। चीची, कितना अपमान हुआ, मेरे पास इतने पैसे होने के बाद भी मैं क्यों गरीब की जिंदगी जीऊं? इतने पैसे रखकर भी इस्तेमाल नहीं किया तो इस जिंदगी का क्या फायदा, इन सब गरीबों को मैं कौन हूँ दिखाना पड़ेगा, सोचा। अगले दिन एक स्पोर्ट्स कार को खरीदा और अच्छा सूट पहनकर कार में वाइन शॉप के पास गया। कार के अंदर से, अरे क्या रे ऐसे मुंह खोल के देख रहे हो, तुम्हारे वाइन शॉप में सबसे महंगा फॉरेन वाइन बॉटल्स 10 लेके मेरे गाड़ी के अंदर रखो, ये लो पैसे, बचा हुआ पैसे मेरे दिया टिप्स जैसे सोचकर रख लो, कहकर रुपयों का बंडल उनके ऊपर फेंका। वो सब देखकर वाइन शॉप वाला चौंक गया। उसके बाद पत्ते खेलने वालों के पास जाके एक के ऊपर पैसे फेंक कर, ये लो रे चीप फेलो, तुम्हारा कर्ज बचा हुआ तुम्हारा टिप समझो, अब डालो रे पत्ते, आज जितना भी हारू मैं खेलता ही रहूंगा, ये देखो सिल्ली फेलोस, मेरे पास बहुत पैसे हैं, कहकर पेटी निकालकर पैसे दिखाया। तब सब लोग चौंक गए। वैसे ही वो रोज कार में घूमना, लोगों पर पैसा फेंकना शुरू किया। लोग उसको प्रणाम करते थे, ये सब उसको बहुत अच्छा लगता था। सिर्फ प्रणाम करने से नहीं होगा, आप सबको मिलके मेरा अभिमान समुदाय रखना होगा, मेरा भजन करना होगा, बोलो कितना खर्चा होगा आपके मुंह पर फेंकता हूँ। एक दिन उसको कार में जाते हुए बाइक पर बैठा ट्रक ड्राइवर ने देखा। तुरंत मुंबई में रहने वाला एक डॉन को फोन करके, भाई भाई वो दिखाई दिया भाई, वो दिखाई दिया भाई, सच में उसको मत छोड़ना, उसका पीछा करो, वो कहाँ रहता है पता करो, मुझे हर वक्त का समाचार देते रहो। वैसे ड्राइवर उनका पीछा किया। गोखले बैम्बू हाउस के पास कार में गया और उतरकर इधर उधर देखकर बैम्बू हट के अंदर सीढ़ियों से नीचे गया। तुरंत डॉन को फोन करके ये बात बताया। फिर डॉन हेलीकॉप्टर में आकर उधर उतरा। फिर सब मिलके बैम्बू हट के अंदर गए, अंडरग्राउंड हाउस में जाके पैसों को देखकर चौंक गए। तब डॉन के आदमी गोखले को पकड़कर खूब पीटे। फिर डॉन गन को निकालकर गोखले को मारने के लिए देखा। तब गोखले ने हाथ जोड़कर माफी मांगा। ए,
तुमको मारना क्यों मुझे भी पसंद नहीं है। एक तरफ से तुमने मेरे पैसों को पुलिस से बचा कर रखा, ठीक है मैं तुमको 1 करोड़ दूंगा, इससे आराम की जिंदगी जियो। लेकिन अगर ये बात बाहर आया तो वो 1 करोड़ इस्तेमाल करने के लिए तुम नहीं बचोगे। फिर गोखले खुशी से डॉन को प्रणाम किया। मंकी मेकिंग रोटी। रामपुर के गांव में विक्रम सिंह कहकर एक जमींदार रहता था। वो एक दिन उनके परिवार के साथ जंगल के रास्ते में पैदल चल रहा था। उनको उधर एक बंदर घायल होकर दिखाई दिया और उसका गर्दन पर एक रिबन बांधा हुआ था। तब विक्रम सिंह उनके सेवक से, अरे उधर एक बंदर रिबन से बांधा हुआ है, जाकर जरा देखो क्या है। तब वो उस बंदर को पकड़कर जमींदार के पास लाकर, ये किसी का पालतू बंदर लग रहा है सर, और घायल भी है। तब वो बंदर जमींदार को देखकर सैल्यूट किया जैसा हाथ उठाई। वो देखकर जमींदार खुश होकर, देखने में ये बंदर चालाक लग रहा है, इसे हमारे साथ घर ले जाकर इलाज करवाएंगे, देखते हैं क्या होगा। कुछ दिनों के बाद बंदर का घायल कम हो गए और वो बंदर जमींदार के पीछे रहकर जमींदार क्या कर रहे थे वो करने लगी, जमींदार की तरह चलने लगी। जमींदार बैठने से वो बैठती थी, खाना भी बिल्कुल जमींदार जैसे ही खाने लगी। वो सब देखकर जमींदार बहुत खुश होता था। ये सब देखकर जमींदार की पत्नी तारा, सुनिए जी, इस बंदर को देखते हैं तो आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? उस पर दया करके उसे घर लाकर पालने तक तो ठीक है, उसे चाहे जितनी भी बुद्धि क्यों ना हो, फिर भी ये जानवर ही है, इसमें विवेक नहीं होगा ना। इसको आप जानवर की तरह पालोगे तो ही अच्छा होगा, आप मेरी बात को समझ रहे ना। देखो तारा, मुझे कोई सलाह देने की जरूरी नहीं है, वो हमारे काम वालों से भी बहुत चालाक है, तुम देखते रहो इस बंदर से हमें कितना फायदा होता है, ये बंदर के काम से मैं आधे से ज्यादा खर्चा कम करता हूँ। आप जरूर एक न एक दिन इसकी वजह से बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे, ये तो पक्का है, कहकर सर पकड़ लिया। जमींदार उस बंदर को ट्रेनिंग दिया। वो उनके साथ ही रहकर जमींदार उठने के बाद ब्रश पेस्ट और टॉवल देने लगी। जमींदार नहाकर आने के बाद उनको कपड़े देने लगी। वे सोफा में बैठने के बाद न्यूज़पेपर लाकर देने लगी। ऐसे ही रसोई में जाकर रोटी बनाने लगी। ये सब देखकर जमींदार बहुत गर्व होने लगा। एक दिन वो उनका सारे काम वालों को और पत्नी को बुलाकर, देखो सब लोग, घर में इतने सारे लोग हैं, इस बंदर को मेरे ऊपर जो ध्यान है वो आप में किसी में भी नहीं है, आप सब मूर्तियों की तरह रहने के वजह कोई उपयोग नहीं है, इस बंदर को देखकर आपको शर्म होना चाहिए, किसी को भी काम से नहीं निकालना है कहकर हम जमींदार का नियम है, इसके वजह से आप सबको अब तक वेतन दे रहा हूँ, आज से मैं कितना हूँ ये बंदर भी उतना ही है, मुझे जो इज्जत देते हैं इस बंदर को भी दीजिए, अच्छे से याद में रखिए, कहकर उस बंदर को एक छड़ी देकर, आज से मेरा सारा काम यही करेगी, मेरे ऊपर एक मक्खी को भी बैठने नहीं देगी, ठीक है ना। तब किसी को कुछ समझ में नहीं आया। काम वाले तारा के पास जाकर, मालकिन आपको तो पता है ना, हम पीढ़ियों से आप पर विश्वास करके ही काम कर रहे हैं और बहुत श्रद्धा से काम करते हैं, जमींदार जी तो बंदर को सर पर बिठाकर हमें कीड़े जैसे देख रहे हैं, अब से हम इधर काम नहीं कर सकते हैं मालकिन, हमें जाने की अनुमति दीजिए। रुको, जल्दबाजी मत करो, तुम लोग उनका स्वभाव अच्छे से जानते हो, थोड़ा सहन करो, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। ठीक है मालकिन, आप कहती है तो हम और कुछ दिन के लिए देखते हैं। जमींदार उस बंदर को छड़ी दिया। उस दिन से वो छड़ी लेकर घूमने लगी। सोते समय पर भी वो छड़ी को नहीं छोड़ती थी। जमींदार छड़ी पकड़कर उनके बगल में चल रही उस बंदर को देखकर बहुत गर्व हो रहा था। एक दिन जमींदार उनके कमरे में सो रहा था। आदत से वो बंदर जमींदार का बगल में वो छड़ी लेकर बैठ गई। एक मक्खी आकर जमींदार के नाक पर बैठ गई। तब बंदर उसे उनका हाथों से हटाई। वो मक्खी फिर से आकर उनका नाक पर बैठ गई। ऐसे 2-3 बार होने के बाद बंदर को बहुत गुस्सा आया। तब वो बंदर उनके हाथों से चड़ी लेकर जमींदार के नाक पर जोर से मारी। तब जमींदार का नाक टूट गया और खून निकल गया। मर गया रे भगवान, कहकर जोर से चिल्लाया। ये सुनकर सब लोग भागते हुए उनके पास आए।
नाक से खून निकलता हुआ जमींदार को ले जाकर हॉस्पिटल में ज्वाइन किए। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद जमींदार से तारा, देखा जी आपने, भविष्य का ध्यान ना करके आप कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे। बंदर और मनुष्य कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। ये कोई काम के नहीं है करके आपने जिन नौकरों को काम से निकाल दिया वही आपको अस्पताल लेके गए। आप बंदर को पालो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मगर बंदर को बंदर की तरह ही देखना, समझे। मेरा गलती का एहसास हो गया है, अब से किसी का अपमान नहीं करता हूँ। और जमींदार सारे काम वालों को बुलाकर हॉस्पिटल ले जाकर उनका जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। तब से लेकर उस बंदर को पालतू जानवर जैसा देखने लगा।